खेल रहे हैं। हिट किया गया धीमा बैक शॉट, दूसरी दिशा में बॉल को खेला गया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद शंकर वर्मा, कलाइयों द्वारा बॉल को किक कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, अंपायर ने नकार दिया है। देखिए किस तरह से बता रहे हैं अंपायर, नियर साइड से इस बॉल को लेना था, गलती कर बैठे पांडे टीम के खिलाड़ी शंकर वर्मा। हिट दिया जा रहा है ब्रेक टीम के खिलाड़ियों के पक्ष में। 150 मीटर लंबा यह ग्राउंड, 100 मीटर चौड़ा, हरी भरी घास बिछी हुई है कारपेट के रूप में। बॉल को लेकर फिर किया जा रहा है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, देर के पीछे बॉल के ऊपर निकल कर आए थे, बैकेट शॉट लगा दिया है, बॉल को क्लियर करने में कामयाब। धीमा हिट जरूर लगाया गया है मलेशियन टीम के खिलाड़ी द्वारा, बॉल को लेना चाहा गया, कोशिश की गई, प्रयास किया गया, बराबर गोल गोल की तरफ बढ़ाते हुए, और यहाँ पर फिर से मिसल बजी है अंपायर की, देखना होगा क्या निर्णय देते हैं अंपायर। अंपायर बताते हुए खिलाड़ी को समझा रहे हैं कि इस तरह से रफ गेम ना खेले, डेलिब्रेटली फाउल ना करें, किसी खिलाड़ी की इंजरी हो सकती है। फिर दिया जा रहा है भारतीय टीम के पक्ष में, तीसरा चक्कर जारी है, 3 के मुकाबले 6 गोल मलेशिया टीम बनाने में कामयाब।